लेके आई हूँ G20 के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में, जो कि लगा है बिल्कुल हमारे पीछे ताल कटोरिया स्टेडियम में। तो चलते हैं। ये लगा था 11 फेब और 12 फेब, मतलब आज 12 फेब है, आज लास्ट डे है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अंदर क्या क्या है और कौन कौन सी स्टेट के यहाँ पे फूड मिल जाएंगे। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं अंदर, एंट्रेंस यहाँ से है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करते ही हमें मिला जलेबी का स्टॉल, और जलेबी ये लोग दे रहे थे एक प्लेट पूरी 100 रुपए की, और जिसमें थोड़ी सी जलेबी दे रहे थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे सब खा रहे थे तंदूरी रोटी और कुछ पालक पनीर टाइप था। फिर हम थोड़ी सी आगे गए तो हमको चाइनीज़ फूड, जैपनीज़ फूड देखने को मिला, जो कि थोड़े थोड़े सैम्पल्स लगा रखे थे, और जो ऑर्डर कर रहा था उनके लिए पीछे से आ रहे थे फ्रेश। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है तो मैंने ये ट्राई नहीं किया। और यहाँ पे ये कुछ क्या कहते हैं इसे, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही कुछ वो सिक में लगा के दे रहे थे। और हाँ, ये यहाँ पे 2 पीस, इसको भी कुछ कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ये 200 के मिल रहे थे यहाँ पे। शूशी कहते हैं इसे, शूशी यहाँ पे 2 पीस 200 रुपए के मिल रहे थे। यार आई कॉन्ट बिलीव इट, वैसे मैंने खाया नहीं है लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। फिर मुझे मिला गुजराती स्टॉल, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। रंग बिरंगी यहाँ पे डिशेस थी जो कि उन्होंने सजा रखी थी, और मुझे मन किया कि चलो यार ट्राई करते हैं क्या है। और इसकी लाइन देख के मैं हिल गई, मैंने कहा यार बड़ी लाइन लगी है। उसके बाद मैंने जब मेन्यू पढ़ा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेन्यू में लिखा क्या है, आधी चीज़ होती क्या है। फिर मेरे को एट दी एंड समझ आया ढोकला, तो मैंने कहा चलो एक ढोकला ले लेते हैं और एक लस्सी ट्राई करते हैं, जो कि केसरी थी और ऊपर से ये गार्निशिंग कर रखी थी बादाम की, तो काफी यम्मी सी लग रही थी। चटनी और साथ में सबसे पहले हमने लिया है गुजराती स्टॉल से ढोकला चटनी, और साथ में केसर वाली लस्सी, जो कि 80 की थी केसर वाली लस्सी, और ढोकला जो हमें पड़ा उसमें 5 पीस थे वो था 70 का। और आगे बहुत सारे स्टॉल है, इतने सारा है खाने के लिए, बस ऐसा लग रहा है बस खाते जाओ। ये है तेलंगाना की बिरयानी, फेमस बिहार फूड। चल रहे हैं कश्मीर। तो पाव भाजी देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ की स्पेशलिटी है। तो यस, ये था मुंबई वाला स्टॉल जहाँ पे मिली थी पाव भाजी, सैंडविचेस, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 120।
तो भाई अब बात करते हैं मेन कोर्स की, जिसके लिए मैं आई थी और जिसकी वीडियोस मैं देख के आई थी पहले ही, जो कि मुझे खाना था काफ़ी टाइम से। तो वो था राजस्थानी फूड, यहाँ की दाल बाटी जो थाली थी उसका प्राइस था 230, जो कि मुझे स्पेशली खानी ही थी। और इसके लिए मैंने लंबी सी लाइन भी लगाई और इतने सारे देख रहे हैं आप बूफे, इतना सारा कलरफुल खाना मिल रहा था और मैं इतनी एक्साइटेड थी, लोगों को देख रही थी कि ये वाली थाली मैं भी खाऊंगी। तो मैं लाइन में लगी, बट बैडली मेरे से पहले आने से पहले ही वो बंद हो चुका था, क्योंकि सभी ने दाल बाटी इतनी ली कि मेरे टाइम पे मुझे मिली ही नहीं। और उसके बाद मैं हो चुकी थी कंफ्यूज, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि मैं दाल बाटी खाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किए ये पकौड़े, जो कि काफ़ी क्रंची थे और यम्मी थे। पकौड़े भी हमने खा ली हैं और अब हम पानी बॉटल, पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम घर। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।